दोस्तों कैसे आप, मैं हूं आपका भाई अश्विन हरियाणवी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अश्विन ट्रैवल वर्ल्ड। और ये इनसे मिलिए अपना बड़े भाई सतेंद्र। और कल रात को आए थे हम भाई, आए हैं इंडिया से और आपको हमारा तो पता ही है इटली में रहते हैं भाई। तो भाई अब होटल में यहाँ से ना चेकआउट करेंगे और सतेंद्र भाई जा रहा है चेकआउट करने लग रहा है। ये था होटल जिसमें हम रात को रुके थे, आपको दिखा दूँ एक बार। देखो इनमें घड़ियाँ वड़ियाँ रख रखी भाई, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे है ना बहुत ही फेमस है, स्विट्जरलैंड की रोलेक्स ओमेगा वगैरह सब स्विट्जरलैंड की है। और भाई एक चीज़ और दिखाऊँ, मैं अभी यहाँ के जो मेन चौराया है ना ज्यूरिख का, वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे है ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल है ना ही कोई पुलिस वाला देखने को मिल रहा, फिर भी है ना कोई जाम नहीं लग रहा भाई यहाँ पे, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये देखो भाई, जो हमारी पहले वाली शिफ्ट थी ना वो तो चली नहीं, वो बंद हो गई 2-3 महीने हो गए। तो अब नई सिम ले रहे हैं लाइका की, जो दिन वाली से सिम ली थी ना लाइका की, ये बोलते हैं हर जगह पे चलती है, लेकिन भाई यार चली नहीं। अब अलग सिम ले रहे हैं, वो बहुत महंगी भाई, 40% की पड़ रही है। तो भाई यहाँ के लोकल स्टोर से ना हमने एक तो सिम कार्ड ले लिया है और एक लिया है ऑरेंज जूस। और भाई सिम कितने की पड़ी है इंडिया के हिसाब से, ये देखो भाई 30 फ्रेंक की पड़ी है, यानी कि 2400-2500 रुपए की पड़ गई है हमें। भाई एक लाइटर दिखाएंगे आपको, ये देखना आप, यहाँ का देसी जुगाड़ भाई, आग जलाने के लिए। ये देखो भाई बहुत ही महंगा भाई, 15 फ्रेंक का है। ये देख लो भाई, ये स्विट्जरलैंड की तंबाकू है जहाँ पे सिगरेट और ओके का तम्बाकू, और ये देखो ओके कलिया चिलम सारी चीज़ मिल रही भाई यहाँ पे। ये देखो तो भाई यहाँ का ना ज्यूरिख का हमने सिटी पास ले लिया है, अब घूमेंगे पूरे शहर में, किसी भी ट्राम में बैठो किसी भी बस में बैठो। और ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 8.5 फ्रेंक का पड़ा है हमें, इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 1000 रुपये का पड़ा होगा, तो पूरे 24 घंटे के लिए वैलिड है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। और भाई मैप ले लिया है कहीं खो अपने पास। भाई स्विट्जरलैंड है ना महंगा तो बहुत है, लेकिन यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो मान लो इतना महंगा नहीं है, क्योंकि हमें 8 यूरो में 8 फ्रैंक में ना 24 घंटे के लिए एक सिटी पास मिल गया है भाई। मैंने बिल्कुल भी है ना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 8-10 यूरो में है ना 24 घंटे के लिए हमें पास मिल जाएगा। और ये देखिए पीछे से है ना ट्राम के, अब मैं पीछे हूँ बिल्कुल, और यहाँ से कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है ये देखो भाई। भाई अब है ना मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए हैं, और यहाँ का मेट्रो स्टेशन है ना आप बिलीव नहीं करोगे, 100 फीट नीचे इनकी मेट्रो चल रही है भाई, क्या कहना चाहोगे भाई। भाई जबरदस्त है मतलब, और साफ सफाई देखोगे ना यूनिट, और सबसे ज्यादा यहाँ ना काम करने के लिए वैसे आम बंदा नहीं मिलेगा, टिकट देने के लिए या कुछ खरीदने के लिए सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ सवारी यहाँ पे और कोई नहीं सवारी के अलावा कोई नहीं। मेट्रो आ गई है भाई, ये देखो तो भाई ये है स्विट्जरलैंड की मेट्रो, अभी आपको दिखाऊंगा मेट्रो कैसी होती है, मेरे को तो बहुत ही पसंद आई, ये देखना आप, अभी दिखाता हूँ आपको। और ये देखो स्क्रीन लगी हुई है, ये देखो भाई कल है ना रात को हम फंस गए थे, इस करके बहुत जो थोड़ी सी है ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना हमारी रिजर्वेशन कैंसिल हो गई थी, तो आज हमने ना होटल की जगह भाई हॉस्टल लिया है। हॉस्टल भाई बहुत ही चीप है यहाँ पे, बहुत चीप नहीं है मतलब अभी 40 यहाँ पे 40 फ्रैंक का, चलिए होटल के मुकाबले सस्ता है, 40 फ्रैंक बोले तो 3500 रुपए के इंडिया के का, 13000 भाई का 3500 देखो ना 3500 एक बंदे का भाई, दोनों का है एक बंदे का, पर हमें तो बेड मिला है एक बेड का, लेकिन मस्त काम इसमें क्या है भाई, खाना पीना बनाना खुद आराम से अपना बाहर से खाना लाइक पका सकते हो, अगर बाहर महंगा लगे तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना खाना पैसे दी बात महंगा है, तो सुपरमार्केट जाओ जो मर्जी लेके आओ, और बड़ा है मस्त था किचन है, शाम को मैं दिखाऊंगा आपको ब्लॉग में, वो आप खुद अपना खाना बना के खाओगे।
भाई सामान वामान सब हॉस्टल में रखा है यहाँ, अब बिल्कुल फ्री हो गया, निश्चिंत हो गए हैं। इब जावांगे सिटी सेंटर में और रात ने 10-11 बजे तक पूरा जूरिक में घूम फिर कर फिर आराम तो आवाँगे, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि हॉस्टल में है ना किसी भी टाइम चले जाओ, होटल वाला फंडा को ना कि रात में 11 बजे बाद में एंट्री नहीं होगी, हॉस्टल का ना यो काम भी बहुत बढ़िया लगा मैंने। तो भाई ये डबल डेकर ट्रेन फिर आ गई है, अब हम जावांगे सिटी सेंटर, सिटी सेंटर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ का जो मेन सिटी सेंटर है जो जूरिक का सबसे बड़ा स्टेशन है ना वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये देखो भाई भीड़ कितनी है, ये देखो भीड़ बहुत है यहाँ पे, जैसे हमारे दिल्ली के स्टेशन पे होगी ना वैसे भीड़ है ये देखो, और क्योंकि ये मेन स्टेशन है यहाँ जूरिक का। तो भाई भूख लग रही थी तो खाने के लिए भाई वाले कुछ ले ले, तो ये देखो हमने ये जो मोजरेला चीज़ के है ना ये मान लो बर्गर टाइप है तो ये लिए हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है 1500 भाई इंडिया के हिसाब से 1500 रुपये के हो गए भाई। तो भाई हम ना रील बना रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ के टिकटॉकर आए तो कुछ वो प्रमोट कर रहे थे, क्या था भाई ये ऑरेंज जूस था शायद, न्यू रेस्टोरेंट इनके न्यू रेस्टोरेंट का प्रमोशन कर रहे थे, तो हमारे साथ भी वीडियो बना के लेके गए हैं। शिबुया नाम से है ये कोई, ये देख लो भाई अब हम खड़े हैं यहाँ का जो सिटी सेंटर है ना वहाँ पे है, ये सामने आपको देख रहे हैं ना ये वर्ल्ड फेमस जो ओपेरा हाउस है ना ये वो है स्विट्जरलैंड का जो पहला सिनेमा घर है ना ये वो है। लोकेशन देखो भाई इसके सामने की कितनी शानदार लोकेशन है, और ये बच्चे खेल रहे हैं देखो। भाई लगभग शाम हो चुकी है, अब हम जाएंगे सुपरमार्केट में, और जैसे हमने डेनमार्क में किया था ना ऐसे ही कुछ खाने का लेके आएंगे, और अब अपने ना हॉस्टल के अंदर ही ना पकाएंगे खाना खुद ही, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी हॉस्टल में ना सुविधा है तो हम खाना यहीं पे बनाएंगे हॉस्टल में, और दिखाएंगे। ये हॉस्टल का किचन है भाई, ये बनी बनाई हम रोटी ले आए थे, तो अब रोटियाँ सेक रहे हैं, ये देखो फ्राई पैन है और भुजी बना ली साथ में, और ये है किचन देखो कितना बड़ा किचन है, ये देखो रोटी सेक रहे भाई, अब भाई खाना खा रहे हैं। तो भाई जब मार्केट में जाना तो हमने पहले तो चावल ले रहे थे, फिर सोचा पास्ता ले ले, फिर रोटियां रखी थी कि फिर मैंने सोचा भाई बना के खाओगे अपना हॉस्टल का यही फायदा भाई। तो भाई रोटी रोटी खा ली है, रात के 10 बज चुके हैं, तो भाई नींद आ रही है बहुत जोर की, क्योंकि पूरा दिन जोरिक में घूमते रहे, और वीडियो अच्छी लगी होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं ना तो अश्विन ट्रेवल जो अपना पेज है इसको फॉलो जरूर कर लें।